नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ पोल वेल्थ में आपका फिर से स्वागत है। डिस्क्लेमर के साथ एक और वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। हम लोग आज जिस बैंक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो साउथ इंडिया बैंक। देखिए, अभी अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जितने भी बैंक सजेस्ट किए थे लास्ट ईयर, देखिए ज़्यादा नहीं है, 22 नवंबर को 2020 को मैंने ये सजेस्ट किए थे। ये स्टडी है, मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर किसी ने 52,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अभी 85,000 के करीब है। ऐसा देखिए कैसे, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा जो 47 में हम लोगों ने जो सजेस्ट किया था वो 80 ऑलमोस्ट 70% गेन के साथ चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया जो 44 में सजेस्ट किया था वो 76 चल रहा है। कैन बैंक हम लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग 68, लेकिन उस दिन हम लोगों ने जब परचेज बल्क में किया था 98 में किया था, और इसने भी काफ़ी ऊपर हाई बना है, वो 150, वो भी 54% अप है। आईओबी वो भी 52% अप है। पीएनबी जिसको हम लोग अभी भी बहुत स्ट्रांग उतना भागा नहीं है, तो इसमें स्ट्रांग बाइंग हम लोग अभी भी करवा रहे हैं, उसमें काफ़ी पोटेंशियल्स है 50-54 के टारगेट के साथ और उससे ज़्यादा के टारगेट साथ पीएनबी, क्योंकि अभी मर्जिंग हो जाने के बाद ओबीसी बैंक और काफ़ी सेंट्रल बैंक सब जो मर्ज होने के बाद पंजाब बैंक का काफ़ी बैलेंस शीट इंप्रूव होने वाला है। तो 1 साल के नज़रिए से अगर इसको बाई किया जाए तो 100 रुपीज़ ज़्यादा नहीं हो सकते। 160-170 से हम लोग एसबीआई को बाई कर रहे हैं, देखिए आज उसने 115 का भी हाई बना दिया है। यूनियन बैंक 25 के अराउंड हम लोगों ने परचेस करवाए थे, उसमें भी 10 रुपये का काफ़ी अच्छा गेन है, 36% का गेन इसमें भी दिखाई दे रहा है, तो 35 चल रहा है। तो साउथ इंडिया बैंक डार्क हॉर्स की तरह हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। जो नीचे 4 रुपया 4.85 52 वीक लो, और अभी अभी जब हम लोग 8 रुपीज़ में इसको बाई करवाए थे, अभी यही मंथ शुरुआत में फर्स्ट वीक में हम लोगों ने शुरू बाई करवाया है, तो 11.85 होके वापस नीचे 10 रुपये के अराउंड 10.69 के काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने 7, 8, 9 रुपीज़ में बाई किया है वो लोग 8, 9, 10, 11 में वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका 1 साल का अगर ग्राफ देखते हैं तो देखिए ये काफ़ी वॉल्यूम से यहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी जनरेट हो रहा है। तो अभी अभी हम लोग जैसे बीएससी की वेबसाइट पे है, तो अगर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट्स पोस्ट हो चुके हैं साउथ इंडिया बैंक के, तो वो आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो करीब करीब 7 करोड़, जो काफ़ी लॉस था 898 लास्ट बैलेंस शीट में, 98 करोड़ का जो लॉस था उसको ओवरकम करके इन लोगों ने काफ़ी बढ़िया से 7 करोड़ के करीब प्रॉफिट बुक किया है। तो 1 साल में ये भी सेम स्टोरी हो सकती है, और नंबर्स इटसेल्फ, और अगर ये पूरा साल नेक्स्ट जो ईयर है वो पूरा चलने वाला है, बैंकिंग बैंक में से ही सारे पैसा आ रहा है, स्टॉक मार्केट में कोविड के टाइम पे नो डाउट फार्मा कैडिला जो है सारा भाई है, हम लोग परचेस कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हमारा पोर्टफोलियो में 60-70% हम लोग बैंक्स में इन्वेस्टेड है। स्पेशली ये सब बैंक्स जो मैंने आपको बताई है, इसमें से या कई बैंक्स में से हम लोग प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा बुक कर चुके हैं। साउथ इंडिया बैंक जो 22,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, और जैसे हम लोगों ने बताया 1 रुपये का ये शेयर है जो अभी 10-11 रुपये के करीब चल रहा है, इसमें प्रॉन्स और कॉन्स में, प्रॉन्स में अभी आने वाला है, ये सब डिस्टर्बिंग फिगर्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च 2021 के इधर नेट प्रॉफिट पोस्ट हो चुके हैं 7 करोड़ के करीब, और इसमें कोई ऐसे जो दिग्गज नहीं है, लेकिन पब्लिक के पास ही काफ़ी पैसा है इसमें, जो एफएफआईज थे वो काफ़ी कम, क्योंकि लॉस किए अभी एंट्री हो सकती है फिर से, डीआईए ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है, तो जो डीआईए है इसमें एलआईसी सबसे ज़्यादा है, वो धीरे धीरे उसमें भी बाइंग सेलिंग परचेसिंग उनका हो रहा है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा 4.23 का ये लोग अभी अभी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे अपना बढ़ा रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो डिविडेंड हिस्ट्री भी अगर देखें तो 2015 में डिविडेंड दिया था, फिर 2016 में दिया था, फिर 2017 में दिया था, फिर ये देखिए 40 पैसा भी है 2018, और ये है 2019।
काफी लॉस होने के बाद इन लोगों ने नहीं दिया है, और ये पोटेंशियल इसमें काफी अच्छा दिख रहा है, साउंड्स अच्छा लग रहा है, तो ये रेट के ऊपर बिल्कुल बाय हो सकता है। 10 रुपया 50 पैसे के अंदर, इसके अंदर अगर आपको मिल जाता है, डबल डिजिट में ये आ गया है, और करीब करीब 1 साल के नज़रिए से ऑलमोस्ट डबल होने की ये इसमें काफ़ी गैप जगह बची है। तो मैं जो अपने पोर्टफोलियो विजन 2023 के लिए हम लोग कर रहे हैं अभी, तो इसको मैंने अभी रख दिया है, और इसका 25+ टारगेट फॉर बिफोर 2023 हो सकता है। तो आप 3 साल का फिक्स डिपॉजिट करके इसमें चलिए, तो काफ़ी अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो ये बात थी साउथ इंडिया बैंक के बारे में। नॉर्थ पोल वेल्थ में अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए। काफ़ी हमारे पुराने बैंक्स हैं जो काफ़ी अच्छे चले हैं, जैसे आप ONGC भी देखिए, हम लोगों ने 1989 में परचेस करवाया था, जो अभी 115 चल रहा है। यस बैंक पे भी हम बुलिश है, 3 साल के लिए इसके ऊपर इन्वेस्टेड रही है। गेल में भी काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा है, सेल में सिर्फ 22 रुपीज़ में हम लोगों ने परचेस करवाया था, जो अभी 145 तक ऊपर चला गया, वहाँ भी प्रॉफिट बुक करवाया है। उसमें काफ़ी ऊपर नीचे हम लोग प्रॉफिट करवाते रहते हैं। उसमें 1416 से बाई कीजिए, और 125 और 135 के अराउंड सेल कीजिए। जो लोग स्विंग ट्रेडर हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कई सारी स्ट्रेटेजीज मैं डिस्कस करता रहता हूँ। काफ़ी हमारे देखिए स्टॉक्स है जो बूमिंग है, मार्केट बूमिंग है इसलिए भी चल रहा है, लेकिन सही पिक करने से बिल्कुल मार्केट चलता है, पैसा बनता है। तो अगर आपका पैसा नहीं बनता है तो देखिए कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, वीडियोस ध्यान से देखिए। तो ये बात थी साउथ इंडिया बैंक के बारे में। यही रेट पे आप ज़रूर बाई कर सकते हैं, और डबल होने की पूरी रखता है ये क्षमता। ये एजुकेशनल वीडियो है, आप बाई सेल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से, अपने ब्रोकर से जरूर से डिस्कस कर लीजिएगा। चलिए, नॉर्थ पोल वेल्थ में आपका हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।